हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं वह कुछ अलग हटकर है। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बिजनेस के लिए पूरी दुनिया आपके सामने होती है। आप एक स्थान में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं, उन्हें माल सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करने के लिए माल कहां से आएगा, कैसे आएगा और आप उसे कैसे सेल करेंगे, उसकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग कैसे करेंगे, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होगी आदि तमाम जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। फर्नीचर के बिजनेस को शुरू करने के लिए काफी बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। फर्नीचर को रखने के लिए भी काफी जगह की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही अच्छे डिजाइनर फर्नीचर तैयार करने के लिए अच्छे कारीगरों की आवश्यकता होती है। इनके अलावा तमाम तरह के लाइसेंस भी लेने की जरूरत होती है। इस तरह से नए बिजनेसमैनों के लिए यह बिजनेस शुरू करना काफी परेशानदायक हो जाता है। फ्रेंड्स, हम फर्नीचर बिजनेस के बारे में जो आइडिया बता रहे हैं उसमें ना तो बड़ी रकम लगेगी, ना ही बहुत बड़ी एरिया की आवश्यकता होगी और ना ही इसे तैयार करवाने के लिए कारीगरों की आवश्यकता होगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसे सेल करने के लिए आपको ढेर सारे सरकारी लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे शुरू करने के लिए बस आपके पास एक लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस को शुरू करने के लिए मार्केटिंग, पब्लिसिटी और वेबसाइट के लिए लगभग 1 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। इस छोटी सी रकम से आप सालाना करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। छोटी सी रकम से आप ऑनलाइन फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें व कमेंट जरूर करें। शेयर करना भी ना भूलें ताकि दूसरों को भी इस बिजनेस के बारे में जानकारी हो। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा। इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन, अर्न मनी, मार्केटिंग, पब्लिसिटी आदि के बारे में जानकारी देते हैं जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए फायदेमंद होते हैं। जो भाई इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो के नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि बिजनेस मंत्रा पर नए वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस के बारे में। ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस को कम पूंजी में शुरू करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप, एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन और एक वेबसाइट होनी चाहिए। इस बिजनेस को आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका है घर से और दूसरा तरीका है मार्केट में एक ऑफिस लेकर। घर से करें या मार्केट में ऑफिस लेकर, जो सबसे जरूरी है वो है एक वेबसाइट की। वेबसाइट में आप फर्नीचर के फोटो के साथ रेट पब्लिश करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे जरूरी पार्ट है वो है वेबसाइट। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट बनाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम वेबसाइट बनाने के अलावा साल भर सपोर्ट भी करेंगे, साथ में बिजनेस से संबंधित जानकारी देंगे और बिजनेस को ग्रो करने में मदद भी करेंगे। ये तो थी वेबसाइट बनाने की बात। बिजनेस में दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है पब्लिसिटी। बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसका प्रचार प्रसार भी जरूरी है। इसके लिए पब्लिसिटी का सहारा लिया जाता है। पब्लिसिटी के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाती है। पब्लिसिटी जितने अच्छे तरीके से होगी उतनी ही तेजी से बिजनेस ग्रो होगा। ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस की पब्लिसिटी ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पब्लिसिटी सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन एड दे, सोशल मीडिया में आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस में बिजनेस पेज बनाएं। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और उन्हें फर्नीचर के फोटो व रेट पोस्ट करें। ऑफलाइन पब्लिसिटी के लिए शहर में पंपलेट बंटवाएं, लोकल पेपर में एड दे, शहर के खास खास लोकेशनों पर बैनर या होर्डिंग लगवाएं। ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस का तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है माल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और आप माल को कैसे सेल करेंगे। देश में कई ब्रांडेड फर्नीचर कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। कंपनी 50-60% तक का डिस्काउंट भी देती है। किसी किसी आइटम पर तो 70% तक का भी डिस्काउंट है।
ऐसी कंपनियों के साथ जुड़कर आप कम पूंजी में ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास लंबा चौड़ा एरिया है और बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छी खासी मोटी रकम है तो आप कंपनी से डिस्काउंट पर फर्नीचर खरीदकर अपने शहर में डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। इसमें भी आप काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कई तरह के सरकारी लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। लाइसेंस नहीं लेने पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि आप कम पूंजी से घर से पूरी दुनिया में फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट तैयार करवाएं, जिसमें कंपनी द्वारा भेजे गए फोटो और रेट अपलोड करें। कंपनी समय समय पर डिस्काउंट ऑफर देती है, आप उन ऑफर को अपने वेबसाइट पर पब्लिश करें। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर मिलता है आप उसे कंपनी को फॉरवर्ड कर दें। फर्नीचर पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है, यानी कंपनी फर्नीचर का ऑर्डर करने वाले के यहाँ माल पहुंचाती है। माल की सेलिंग के बाद आपका कमीशन आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस करने का फायदा यह है कि इसमें माल को पहुंचाने का झंझट नहीं रहता है। ऑर्डर लिया और कंपनी को ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया, कमीशन आपके पास। ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस आप घर से करें या मार्केट में ऑफिस लेकर, शुरुआत में थोड़ी बहुत इसकी मार्केटिंग भी जरूरी है। मार्केटिंग के लिए कैटलॉग तैयार करें। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े और उन्हें ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस के बारे में जानकारी दे। बीच बीच में फर्नीचर के कैटलॉग पोस्ट करते रहे। ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए शहर के सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में जाकर वहां काम करने वाले कर्मचारी ऑफिसरों से मिले, उन्हें कैटलॉग दिखाकर ऑनलाइन फर्नीचर का ऑर्डर ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आप मार्केट में ऑफिस लेकर ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऑफिस में आने वालों को आप कैटलॉग दिखाकर उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा आप कंपनी से माल मंगवाकर ऑर्डर करने वालों को दे सकते हैं। ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस आप घर से शुरू कर रहे हैं तो आपको किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मार्केट में ऑफिस लेकर फर्नीचर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट एक्ट का लाइसेंस लेना होगा। दूसरा लाइसेंस है जीएसटी लाइसेंस। जीएसटी लाइसेंस की आवश्यकता उस वक्त होती है जब आपका सालाना टर्नओवर 18 लाख रुपए से अधिक है। इस लाइसेंस को आप शुरू में भी ले सकते हैं या फिर बिजनेस के बढ़ने पर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ऑनलाइन फर्नीचर बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस बिजनेस से संबंधित कोई भी सवाल होने पर आप ब्लॉग में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।